हेलो पिला माने तुम्हें आगरु जानिछ प्राणी मानंक शरीर रे दुईटी पद्धति रे नियंत्रण ओ समन्वय प्रक्रिया होई थाए। सेई पद्धति गुडी को हेउची रासायनिक पद्धति ओ अन्यटी हेउची स्नायविक पद्धति। ते पिला माने आज आमे जानिबा रासायनिक पद्धति रे किपरी आम शरीर रे नियंत्रण और समन्वय घटी थाए। तबे आज आलोच्य विषय होची रासायनिक समन्वय। ते पिला माने आम शरीर रे हार्मोन रही जहाँकि नियंत्रण और समन्वय रक्षा करिवारे साहाज्य करिथाय। ता सहित एंजाइम और अनेक गुड़िए पदार्थ रही जहाँकि अति गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथान्ति। तबे एई हार्मोन एंजाइम आदि केउठारु आसे आस जानिबा। एगुड़िक साधारणतः आम शरीर थिबा अनेक गुड़िए ग्रंथिरु आसी थाए। ते पिला माने आम शरीर रे मुख्यतः दुई प्रकार रो ग्रंथि रहिछि। सेई ग्रंथि गुड़िक हेउछि बहिःस्रावी ग्रंथि ओ अंतःस्रावी ग्रंथि। आस जानिबा बहिःस्रावी ग्रंथि सम्बन्धरे। बहिःस्रावी ग्रंथि तबे एई बहिःस्रावी ग्रंथिरु एंजाइम ओ केतेक पदार्थ क्षरित होइथाय। एंजाइम ओ केतेक पदार्थ सेभली एही एंजाइम बा केतेक पदार्थ क्षरित हेला परे एही ग्रंथिरु नाळ देई बाहर को आसी थाए। अर्थात एही ग्रंथिरे नाळ रही थाए। तबे आस जानिबा एहार दुईटी उदाहरण। जकृत ओ लाळ ग्रंथि होउछि बहिःस्रावी ग्रंथि अंतर्गत। जकृत ओ लाळ ग्रंथि एही बहिःस्रावी ग्रंथिरु क्षरित एंजाइम विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया रे भाग नेथांती किंतु एगुडिकर कौनसी परिवर्तन घटी नथाए। एगुडिक व्यवहार हेले मध्य अपरिवर्तित रही थांती। तेबे आस जानिबा अंतःस्रावी ग्रंथि सम्बन्धरे। अंतःस्रावी ग्रंथि तबे एई अंतःस्रावी ग्रंथिरु हार्मोन क्षरित होइथाय। हार्मोन पिला माने मन रख
हार्मोन एई ग्रंथिरु क्षरित हेबा पई कोनोसी नाळ न थाए। अर्थात एई अंतःस्रावी ग्रंथि होची अनाळ ग्रंथि, अर्थात नाळ विहीन ग्रंथि। तेबे अंतःस्रावी ग्रंथिर केतेक उदाहरण आस जानिबा। पिट्यूटरी, सेइ भली थायरॉइड आदि अंतःस्रावी ग्रंथिर उदाहरण। एही हार्मोन सीधा सड़क रक्त मिसी थाए। हार्मोन रक्त मिसी दूरस्थान को जाई विभिन्न अंग और टिश्यू रे कार्य करिथाए एवं कार्य सरिला परे एगुड़िक नष्ट हो जाए। एंजाइम भली एगुड़िक बारंबार व्यवहृत हो पारंती नाही। एगुड़िक कार्य करिला परे नष्ट हो जाए थांती। तेबे आस पिला माने बहिस्रावी ग्रंथि ओ अंतःस्रावी ग्रंथि मध्यरे थिबा प्रभेद जानिबा। बहिस्रावी ग्रंथिरु एंजाइम ओ अन्य पदार्थ क्षरित हुए, किंतु अंतःस्रावी ग्रंथिरु हार्मोन क्षरित हुए। एथिरु क्षरित पदार्थ निर्दिष्ट नाळ देइ ग्रंथि बाहर को आसे, किंतु एथिरु क्षरित हार्मोन सीधा सड़क रक्त मिसे। यार उदाहरण होची लाल ग्रंथि, जकृत इत्यादि। यार उदाहरण होची पिट्यूटरी, थायरॉइड इत्यादि। वर्तमान आस एंजाइम ओ हार्मोन मध्यरे कौन प्रभेद अछि जानिबा। एंजाइम बहिस्रावी ग्रंथिरु क्षरित हुए, किंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथिरु क्षरित हुए। रासायनिक प्रक्रिया परे एंजाइम रो गठन रे कौनसी परिवर्तन हुए नाही, तेणु एहा बारंबार व्यवहार हुए। निर्दिष्ट कार्य सरिबा परे हार्मोन नष्ट हो जाए, तेणु एहा थरे मात्र कार्यक्षम। तबे एंजाइम रो उदाहरण हला लाळ रे थिबा टायलिन। सेइभली हार्मोन रो उदाहरण हला थायरॉइड ग्रंथिरु क्षरित थायरक्सिन। वर्तमान पुणी मन पकेदाउ चाहे आम शरीर रे विभिन्न अंग ओ अंग संस्थान गुड़िक मध्यरे नियंत्रण ओ समन्वय रक्षा करिया पाई जो पद्धति रहिछि सेही पद्धति होउछि दुई प्रकार। गोटे होउछि रासायनिक पद्धति ओ आउ गोटे होउछि स्नायविक पद्धति। तेबे समन्वय पद्धति, समन्वय पद्धति जहाँ कि दुईट भागरे विभक्त करि परिबा। गोटे हला रासायनिक पद्धति, आ गोटे हला स्नायविक पद्धति। तबे आस रासायनिक पद्धति ओ स्नायविक पद्धति मध्यरे कौन प्रभेद रहिछि जानिबा। स्नायविक पद्धति रे स्नायुकोष माध्यमरे खबर विद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा संचरित हुए, किंतु रासायनिक पद्धति रे अंतःस्रावी ग्रंथिरु क्षरित विभिन्न हार्मोन द्वारा वार्ता प्रसारित हुए। सेइ भली स्नायविक पद्धति रे कार्य तुरंत होउथिला बेले रासायनिक पद्धति रे कार्य मंथर भावे होइथाय। हाँ पिला माने तुम्हें जानिल बहिस्रावी ग्रंथि ओ अंतःस्रावी ग्रंथि संबंधी।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସ ଜାଣିବା। ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ତନ୍ତ୍ର ତେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ନେଇ ଏଇ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ତନ୍ତ୍ର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ସ୍ନାୟୁ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସ୍ନାୟୁ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ତନ୍ତ୍ର ତେବେ ଏହାକୁ କାହିଁକି ସ୍ନାୟୁ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ? ଯେହେତୁ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ତନ୍ତ୍ର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ଶରୀରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସ ଜାଣିବା। ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ଯାହାକି ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ସେଭଳି ପିନିଆଲ ଅଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କର ଛାତରେ ରହିଛି, ସେଭଳି ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯାହା ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ସହ ଏକ ଛୋଟ ବୃନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି, ସେଭଳି ପାରାଥାଇରଏଡ୍ ଯାହା ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ଉପରେ ଚାରିଟି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ରହିଛି, ସେଭଳି ଥାଇରଏଡ୍ ବେକର ତଳ ଭାଗରେ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଉଭୟପଟରେ ଠିକ୍ ସ୍ୱରପେଟିକା ପଛକୁ ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅଧିବୃକ୍ ଦୁଇଟି ବୃକ୍କକ୍ର ଉପରି ଭାଗକୁ ଲାଗି ଦୁଇଟି ଅଧିବୃକ୍ ରହିଛି, ସେଭଳି ଅଗ୍ନାସ ଯାହାକି ପାକସ୍ଥଳୀର ଠିକ୍ ତଳକୁ ଗ୍ରହଣୀ ଫାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନାସ ରହିଛି। ଡିମ୍ବାସ ଯାହାକି ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀରର ଉଦର ଗହ୍ୱରର ନିମ୍ନ ଅଂଶରେ ଏକ ଯୋଡ଼ା ରହିଛି, ସେଭଳି ଶୁକ୍ରାଶୟ ଯାହାକି ପୁରୁଷ ଶରୀରର ଶୁକ୍ରାଶୟ ଥଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ରହିଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ବହିଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲେ, ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଓ ହରମୋନ୍ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଲେ, ସମନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ମାନବ ଶରୀରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ହେଲେ, ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବାଏ ବାଏ।